पार्टीज हैं उनकी अपनी जो मसलियत पसंदी की सियासत है, जो कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स है, या जिस तरह वो सिर्फ अपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को ही तरजीह देते हैं, तो उन्हीं पार्टीज में से जो एक्टिविस्ट थे, वो वर्कर थे जिनकी हमेशा अपनी पार्टियों पर भी तनकीद रहती थी और जो चाहते थे कि कुछ किया जाए, अमली तौर पर आगे बढ़ा जाए, तो उन सब लोगों पर मुश्तमिल एक मुत्तहिदा महाज लियारी अवामी महाज की शक्ल में बनाया गया है, जिसका अहम तरीन मकसद ये था कि लियारी के इशूज को पर्टिकुलरली और बाकी दीगर इशूज को, जो सिंध के इशूज हैं या जो कराची के इशूज हैं, उनको भी जम करके आगे बढ़ा जाए, आगे चला जाए। तो लिहाजा हमारा मकसद ये है कि न सिर्फ लियारी के मसाइल को बल्कि कराची शहर के मसाइल को और सिंध के मसाइल को, बलूचिस्तान के मसाइल को भी लियारी अवामी मार्च के प्लेटफॉर्म से उजागर किया जाए और जहां पर जो मुख्तलिफ तहरीकें चल रही हैं राइट्स के हवाले से, हुकूक के हवाले से, उन तहरीकों में जुड़त पैदा की जाए, उन तहरीकों को जोड़ा जाए। इसलिए जब गड्डाब काठोर में मलीर में जमीनों का मसला था तो लियारी अवामी माज ने उसके लिए आवाज उठाई और अपनी यकजहती का इजहार किया। या इसी तरह अगर ये बैनर आपके सामने लगा हुआ है कि सिंध के जजीरों पर, डिंगी पर, बुंदात पर जिस तरह से वफाक की कब्जा की जारी है, तो उसके लिए भी लियारी अवामी माज ने आवाज बुलंद की। मकसद ये था कि उन तहरीकों में एक जुड़त पैदा की जाए, क्योंकि मसाइल सबके एक जैसे हैं और आइंदा भी हमें तहरीकों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो तहरीकें यहाँ पर चलेंगी, हम समझते हैं कि अगर अवामी तहरीकें हैं, अवाम के लिए हैं, अवाम के मसाइल के हल के लिए हैं, तो हम उन तहरीकों में आगे आएंगे, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज है उनकी अपनी सियासत है, उनकी अपनी सियासत की महदूदियत है, उनकी अपनी लिमिटेशन है, उनकी अपनी एक कम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स है। तो लिहाजा हमने ये जरूरत महसूस की कि अवामी तहरीकों को आगे बढ़ना चाहिए, अवामी तहरीकों का साथ देना चाहिए। तो बहरहाल मैं यहाँ पर तमाम उन दोस्तों का, साथियों का जो आज यहाँ पर आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर पर डॉक्टर रियाज शेख साहब का और डॉक्टर तौसीफ अहमद खान साहब का, कि ये बाहर से आए आज लियारी अवामी मार्च के प्रोग्राम में। शुक्रिया।